गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ अच्छे होंगे एंड राम राम सबको। होप करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। सुबह आज उठते ही सबसे पहले धूप के दर्शन हुए, सूरज देवता के दर्शन हुए, जिससे आँख भी नहीं खुल रही है मेरी। और पहाड़ों पर बहुत प्यारी प्यारी बर्फ़ पड़ी हुई है, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, अभी तो बहुत प्यारा मौसम हो रहा है और हमारा टाइचू पड़ा है आराम से, है ना। ये देखो हमारा टाइचू, इसे देखो जरा। हेलो टाइचू, गुड मॉर्निंग। और बर्फ बहुत भयंकर पड़ी हुई है, सामने आपको दिख ही नहीं रहा शायद। ये जो सामने है ना, इधर पे ये धनोल्टी रेंज है, यहाँ पे बर्फ पड़ी हुई बहुत ज्यादा। और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है और हमारे लिए चाय भी आ गई है। सामने देख रहे हैं बर्फ पड़ी हुई है, ये धनोल्टी रेंज है। और ये आपका, यहाँ से हम इधर नीचे की तरफ को जाएंगे तो ये आती है आपकी चक्रोता रेंज। ये जो टॉप दिख रहा है ये आपका चक्रोता रेंज है। और यहाँ पे आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ, मतलब धनोल्टी से ज़्यादा बर्फ पड़ी हुई है। ये देखिए टॉप है जो, और यहाँ से तो आप देख ही सकते हैं कि ये आपकी बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे, ये धनोल्टी रेंज में। हमारा जहाँ पे घर है वहाँ पे पूरी हिमालय रेंज दिखती है यहाँ से। ये पूरा मतलब नॉर्थ से लेकर और आपका ईस्ट तक पूरा दिखता है, पूरा नॉर्थ साइड दिखती है इसकी। और ये हमारा छोटा सा गाँव है इसका, ये शिमला बाईपास रोड पर है। और ये देखिए यहाँ पे मकान बनने लगे हैं अब थोड़ा थोड़ा, पहले तो पूरा खाली हुआ करता था। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये जो आप सामने देख रहे हैं, मैं दिखा देता हूँ। ये जो सामने देख रहे हैं, पहले ये पूरा खेती हुआ करती थी, ये पूरी खेती हुआ करती थी यहाँ तक, ये पूरा खेती हुआ करता था। अरे कहना क्या चाहते हो, खेत हुआ करता था पूरा, यहाँ पे गेहूं धान उगाया जाता था। और ये जो पीछे, इस खेत के पीछे जो छोटी सी नाला है, पहले नदी आसन नदी हुआ करती थी, ठीक है ना। तो अब वो तो खत्म हो गई पूरी, अब तो खाली गंदा नाला है। और वैसे ही सरकार को बचानी चाहिए नाला ना। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इसको नदी को बचाना चाहिए। इसका जो पानी आता है चंद्रबदनी से आता है, तो वहाँ का जितना भी वेस्ट जो पानी होता है सारा इधर ही आता है, तो इसको बचाना चाहिए सरकार को। बट क्या करें, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा मकान है, गांव है। और अभी तो ऐसी हरियाली लग रही है, बाकी भविष्य में पता नहीं। और हमारा टाइसू है, इसको लग गई गर्मी, है ना, है टाइसू भाई साहब। ओ टाइसू जी, आपको गर्मी लग गया? नहीं गर्मी लग गया। दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ से बिल्कुल साफ सुथरा हो रखा होगा, दिखेगा तो। सामने मसूरी है, जो सामने मसूरी है पूरा, ये पूरा मसूरी रेंज है, वो धनोल्टी रेंज है, ठीक है। और अभी बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, बहुत बढ़िया धूप निकली हुई है, अच्छा मौसम हो रखा है, ठंडा ठंडा ठंडी हवा चल रही है, बढ़िया मौसम हो रखा है। देख रहे हैं पहाड़ी बाइकर का व्लॉग, और आपको दिखा देते हैं, ये पहाड़ी बाइकर का व्लॉग है। एंड यहाँ देख रहे हैं, यहाँ खा रहे हैं हम नाश्ता, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए नाश्ते के लिए। तो और आप क्या खाएंगे? दही और आलू खाएंगे आप? हमने यहाँ पे आलू की सब्जी है और तिल की चटनी है और रोटी, ये बंगाली है। तो अब हम करते हैं नाश्ता। और मैं जा रहा हूँ अभी आपका चावल लेने, चावल खत्म हो गया घर में, तो चावल लेके आते हैं। और चावल लेके आके फिर चावल बनाते हैं, दिन का लंच वंच की तैयारी करते हैं। ओके, यहाँ सामान ले आया हूँ मैं, और इन अब चावल है अदरक ले आया हूँ, दुकान में कम हुआ था तो घर में सामान चाहिए था तो ले आया मैं। अब चलो चलते हैं भाई अंदर।
सामान लिया आया मैं सारा, 13 किलो चावल आए हैं और 13 किलो चावल और एक पाव वो लिया आया अदरक। अरे वाह, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ भाई, हमारे खेत के आलू आ गए भाई। लगा देता ना उस समय तो सब्जी खाने के लिए हो ही जाते, तो तुमने मना किया है? नहीं बना, डिश कौन सी बना रहे हो? पराठे बना रहे हो? घर के खेत की मूली, हमारे घर के खेत की मूली बड़े छोटी छोटी हुई यार, है छोटी छोटी, और ये छोटे छोटे हमने एक दो पेड़ लगाए थे आलू के, तो ये आलू हो गए। चलो खेत का कुछ तो हुआ, हमारे खेत का मम्मी की मेहनत रंग लाई है ना। ऐसे हमारे जो हुए हैं, ये आपका ये हुआ है सिंगरे, सिंगरे हुए, और ये देखो ऐसे होते हैं, ये एक्चुअली होते हैं मूली के बीज जो हरे में तोड़ लेते हो, सब्जी बन जाती है, और ये छोटे से आलू हुए हैं, और ये हमारी बंदी है पराठे। दिन में क्या बनाओगे? अच्छा दाल बन गई, दाल बन चुकी है, बस चावल बनाना बाकी है, चावल की तैयारी करते हैं। टाइसो यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बेजा 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 मेरा बच्चा, पता नहीं क्या कर रहा है यहाँ पे। जा चला जा ऊपर, चल ऊपर 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 ऊपर, अब ऊपर जा, चलो ऊपर सीधा ऊपर धूप में। टाइम हो गया है 2:30 और हम जा रहे हैं खाना खाने, और खाने में बना है चावल और अरहर की दाल है, ये रहे है अरहर की मिक्स दाल, और मूली के पराठे, और हरा साग, और आपके मूली के जो बीज होते हैं हरे हरे उसकी सब्जी, और आलू और गाजर का हलवा, ये बना हुआ है और अभी हम खाते हैं। ठीक है, बन गया है हमारा गाजर का हलवा, बहुत बड़ा ही टेस्टी बना है। ये देखिए, ये देखो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। हेलो चिंगरी, ये हमारे यहाँ की लोकल स्ट्रीट डॉग है, और ये खूब अच्छी सी है, रॉड को खूब प्रोटेक्ट करती है हमको। हाय चाची, हाय चिंगरी, हेलो 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 चिंगरी, हेलो चिंगरी, ओए गुज 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 गुज, मैं प्यारा बेटा। हाय टाइशू, ए टाइशू, ये देखो ये देख रहा है, ये रहा ये देख रहा है। हेलो हाउ आर यू, कुछ खा के जाना? नहीं। हमारा खाना रेडी होने के लिए रेडी हो गया है, और अभी बनाएंगे हम रोटी बनाएंगे, और है और सब्जी सब रेडी है, और मम्मी को दिखा देता हूँ मम्मी क्या कर रही है। मम्मी यहाँ पे छील रही है लहसुन, लहसुन मम्मी ने छील दिए बैठे बैठे, और ये होमवर्क नहीं कर रही, जाओ होमवर्क करो, चलो चलो जाओ होमवर्क करो। ठीक है, रोटी बनाने के बाद मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों आज का यही था ब्लॉग, आज के पूरी दिन चलिए आपके सामने में रखी है। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा मेरी इस ब्लॉग में क्या कमी थी। ठीक है, और कल तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, और कल मिलते हैं आप, बाय।